स्वागत है आपका हॉलीवुड मसाला में। कहानी की शुरुआत में हमें बेन दिखाया जाता है जो किसी एक जगह पर फंस चुका था जहां से इसका निकलना लगभग नामुमकिन सा था और अब इसके पास कोई रास्ता नहीं होता। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले हम उन 6 लोगों को जान लेते हैं जिनके आसपास ही ये कहानी घूमने वाली है। सबसे पहले हमें जोई को दिखाया जाता है जो बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की है और उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज है, इसलिए हर वक्त सिर्फ मैथमेटिक्स को ही सॉल्व करती रहती है। जिसके बाद हमें बेन दिखाया जाता है जिसे हमने शुरुआत में ही देख लिया था। बेन एक छोटी सी शॉप में काम करता है और इसका सपना है कि ये बड़ा आदमी बने, लेकिन इसे सिगरेट और शराब पीने की आदत होती है जो कि इसके बॉस को बिल्कुल ही नहीं पसंद होती, इसलिए वो उस पर चिल्लाता रहता है। तीसरे नंबर पर है जेसन जो कि एक स्टॉक ब्रोकर है और ये इतना कॉन्फिडेंट होता है कि ये किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेता है, इसलिए इसको अपने अमीर क्लाइंटों से महंगे महंगे तोहफे मिलते रहते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और इन तीनों को एक मिस्टीरियस बॉक्स मिलता है जो इनको इनके जानने वालों ने दिया था और अभी ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हैं। जब ये वो बॉक्स देखते हैं तो इनको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ये किसी तरह उसे खोल लेते हैं और उसमें से एक इन्विटेशन पाते हैं जो कि एक एस्केप रूम का था। ये एक गेम में ऐसा रूम होता है जिसमें अपनी स्किल को यूज करते हुए बाहर निकलना होता है और जो नहीं निकल पाता उसे इस गेम में बाहर कर दिया जाता है और इस गेम को जीतने वाले को इनाम के तौर पर $10,000 दिए जाएंगे, इसलिए ये तीनों मान जाते हैं। और जब ये बताए गए पते पर पहुंचते हैं तब इन्हें तीन लोग और मिलते हैं जिसमें से अमांडा जो एक फौजी और माइक एक ट्रक ड्राइवर है जो सभी इसी गेम को खेलने के लिए आए थे। और अब ये सभी गेम मास्टर का इंतजार करने लगते हैं। बहुत देर हो जाती है लेकिन अभी तक यहाँ कोई नहीं आता, इसलिए बेन के सब्र का बांध टूट जाता है और यहाँ से उठकर बाहर निकलने लगता है ताकि सिगरेट पीकर आ सके। लेकिन बेन जैसे ही दरवाजा खोलता है वैसे ही डोर का हैंडल टूट जाता है और जब बेन उसे खोलने की कोशिश करता है तब कई कोशिशों के बाद भी वो दरवाजा नहीं खोल पाता। और अब यहाँ सब समझ जाते हैं कि यही एस्केप रूम है। इसके बाद ये सभी यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्लू ढूंढने लगते हैं लेकिन इन्हें यहाँ कुछ समझ नहीं आता। तभी जोई को एक किताब मिलती है जिसमें लिखा होता है फारेनहाइट 451। ये एक टेम्परेचर होता है और दरवाजे पर भी टेम्परेचर कंट्रोलर लगा होता है। जोई समझ जाती है कि हो ना हो ये दरवाजा इससे खुल सकता है, लेकिन जब वो हैंडल इस टेम्परेचर को पार करती है तब रूम में हीटर चालू हो जाता है जिससे सबके सब जोई पर गुस्सा हो जाते हैं और उसे अगली बार से कोई भी चीज छूने से मना कर देते हैं। लेकिन जोई को फिर एक लाइन दिखती है जिसमें लिखा होता है कि पानी पीने के बाद कोस्टर का इस्तेमाल करें, यानी कि पानी का ग्लास कोस्टर पर रखें। और जब कोस्टर्स को दबाती है तो एक डक्ट का दरवाजा खुलता है। जेसन जोई को थैंक्स कहता है और डक्ट के अंदर जाने लगता है ताकि वो देख सके कि आगे रास्ता है या नहीं। इधर ये सभी कोस्टर को पकड़े रहते हैं ताकि दरवाजा बंद ना हो जाए, लेकिन जब जेसन को रास्ता मिल जाता है तब ये सभी एक तरकीब लगाते हैं और कोस्टर के ऊपर पानी का गिलास रख देते हैं ताकि ये सभी बाहर जा सके। और जैसे ही ये सभी बाहर निकलते हैं वैसे ही वो रूम ब्लास्ट हो जाता है और अब ये सब के सब एक दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं जहां से निकलने के लिए इन्हें पासवर्ड चाहिए। और ये सभी इधर उधर देखने लगते हैं लेकिन बेन को एक कोट दिखता है जिसमें लिखा होता है तुम्हारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। और बेन अपने पुराने ख्यालों में खो जाता है जिसमें वो यही गाना गा रहा था और इसी गाने में एक प्रेसिडेंट का नाम भी आता है, रुडोल्फ। और जब ये नाम वो डालते हैं तब लॉक खुल जाता है और जिसके बाद ये एक बर्फीली जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि एक एस्केप रूम ही था। और जब डेनी थोड़ा आगे बढ़ता है तो आगे एक सीमा आ जाती है, यानी कि ये सब CGI था। लेकिन तभी वहाँ एक डक्ट खुलता है और नीचे से ठंडी हवा आनी शुरू हो जाती है। हवा इतनी ठंडी थी कि अगर इन्होंने जल्दी क्लू नहीं खोजा तो इनको बर्फ बनने में देरी नहीं लगेगी। और अब इन्हें एक दरवाजा मिल जाता है लेकिन इसके लिए इन्हें चाबी खोजनी होगी। और अब कुछ देर ढूंढने के बाद इन्हें चाबी तो नहीं मिलती लेकिन एक जैकेट मिलता है, यानी 6 लोगों के बीच एक जैकेट। और ये समझ जाते हैं कि इस गेम का सिर्फ एक ही विनर होगा, बाकी सबके सब मारे जाएंगे और ये कोई गेम नहीं बल्कि मौत का खेल है। अब ये सभी उस जैकेट को एक एक कर पहनने लगते हैं। वहीं जोई को दिखाया जाता है जिसे यहाँ पर एक कंपस मिला था, उसके सहारे वो एक भालू तक पहुँचती है जिसके अंदर हाथ डालने पर उसे एक चुंबक मिलता है और इसके बाद ये उस चुंबक को फिशिंग रॉड से बांध देती है जो कि माइक को मिली थी। और जब ये उस गड्ढे में देखते हैं तब इन्हें एक बॉक्स मिलता है जो कि लोहे के बीच बर्फ में पूरा जमा हुआ था और उसके बीचों बीच ही इन्हें चाबी मिल जाती है। लेकिन इन्हें वो चाबी जल्दी ही निकालनी होगी नहीं तो ये सब के सब मारे जाएंगे। इन्हें चाबी निकालने के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो गर्म हो। लेकिन जब डेनी बेन का लाइटर लेने जाता है तब एक गड्ढे में गिर जाता है और बर्फ में जमने से उसकी यही मौत हो जाती है। ये सब के सब डेनी की मौत को देखकर घबराते हैं और टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि डेनी के साथ लाइटर भी चला गया था।
इसलिए सभी अपने शरीर की गर्मी से उस बॉक्स को पिघलाने लगते हैं और कुछ समय की मशक्कत के बाद इन्हें वो चाबी मिल जाती है और दरवाजा खोलकर अगले रूम में जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर बर्फ टूटना शुरू हो जाता है और ये जैसे तैसे अगले रूम में पहुंच जाते हैं। अगले रूम में जाने के बाद इन्हें यहाँ सब उल्टा पुल्टा दिखाई देता है। इन्हें यहाँ पर टेबल पुल दिखाई देता है जिससे ध्यान से देखने पर माइक को पता चलता है कि इसमें 8 नंबर वाली बॉल नहीं है और इस कमरे का नाम भी द 8 बॉल पुल रूम होता है। अब ये सब के सब उस 8 नंबर वाली बॉल को ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिसमें से अमांडा जो कि सोल्जर होती है वो ऊपर की ओर चढ़ जाती है जहां पर उसे एक लॉकर मिलता है। और अब ये सोचते हैं कि हो ना हो इस लॉकर में कुछ मिल सकता है, इसलिए पहले ये सब इस लॉकर का पिन ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन समय के साथ इनका नीचे का फ्लोर खिसकने लगता है और अब ये जल्दी जल्दी पिन ढूंढना शुरू कर देते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता, तभी जोई को इसका पिन मिल जाता है और वो लॉकर खुल जाता है। उसमें 8 नंबर वाली बॉल होती है जो कि दरवाजे के हैंडल पर लग जाएगी, लेकिन अमांडा जैसे ही अपने साथियों की तरफ जाती है उसके हाथ से वो बॉल छूट जाती है। अमांडा उस बॉल को बचाने के चक्कर में नीचे कूदती है और बॉल जैसन को पकड़ा देती है, लेकिन तभी बचा हुआ फ्लोर गिरता है और अमांडा का हाथ भी छूट जाता है जिससे उसकी भी वही मौत हो जाती है। जोई को इसकी मौत से बहुत सदमा लगता है और अब ये सभी अगले रूम में पहुंच जाते हैं। इस रूम में जाने से इन्हें अपनी अपनी बेड दिखाई देते हैं और उनमें इनकी फाइल होती है। ये बेड बिल्कुल उन्हीं अस्पताल जैसे थे जब इन्हें किसी न किसी कारण से अस्पताल में रहना पड़ा था। दरअसल इनके जीवन में एक हादसा ऐसा हुआ था जिससे इनको छोड़कर बाकी सभी मारे गए थे। यानी गेम मास्टर इनकी छोटी से छोटी जानकारी भी जानता था और वो ये जानना चाहता था कि इनके बचने के पीछे इनकी किस्मत ने कितना साथ दिया था। अब ये चारों क्लू ढूंढना शुरू करते हैं और इन्हें एक्सरे के पीछे एक साइन लैंग्वेज मिलती है जिसका मतलब है एक मशीन जो कि हार्ट बीट्स को मेजर करती है। ये वो मशीन ढूंढते हैं और जब इन्हें मशीन मिल जाती है तब टीवी पर इन्हें एक मैसेज मिलता है, आता है कि इसका क्या मतलब है। जोई जो कि अब इन तीनों का साथ नहीं देती और कैमरे को तोड़ना शुरू कर देती है क्योंकि अब वो इस गेम से परेशान हो गई थी और इन क्लू के हिसाब से नहीं चलना चाहती थी। उसका मानना है कि यहाँ कोई दरवाजा और भी हो सकता है, जिसके बाद जैसन को कुछ समझ आता है और वो कहता है कि हमें अपने हार्ट बीट जितना हो सके उतना बढ़ाना होगा ताकि ये दरवाजा खुल सके। वो इसके लिए माइक को मना लेता है, लेकिन जैसे ही माइक की हार्ट बीट बढ़ाई जाती है उसकी वहीं हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुलता। जैसन समझ जाता है कि हमें हार्ट रेट को कम करना होगा और अब इनके पास टाइम भी कम है। जैसन मशीन अपने ऊपर लगाता है और हार्ट रेट कम करने लगता है और तभी दरवाजा खुल जाता है। जैसन और बेन यहाँ से निकल जाते हैं लेकिन जोई उनके साथ नहीं जाती और थोड़ी देर बाद जोई भी बेहोश हो जाती है। जैसन और बेन अगले रूम में पहुंच चुके थे। ये दोनों एक ढक्कन खोलते हैं, लेकिन जैसे ही वो ढक्कन खुलता है वैसे इन दोनों को एक ड्रग का असर होना शुरू हो जाता है और अब इन्हें इनका एंटीडॉट ढूंढना शुरू होगा जो कि इसी कमरे में है। ये जैसे तैसे एंटीडॉट ढूंढना शुरू करते हैं और बेन को वो मिल जाता है और एक ही एंटीडॉट होने के कारण बेन अपने आप को लगा लेता है और जैसन वहीं मर जाता है। अब बेन भी अगले रूम में पहुंच जाता है जिसके बाद हमें जोई को दिखाया जाता है जो कि बेहोश होती है। तभी वहां दो लोग आते हैं और उस रूम की सफाई करने लगते हैं। जोई उठती है और उन दोनों को मार देती है। जोई को इस रूम में कुछ नहीं होता क्योंकि उसने ऑक्सीजन मास्क पहना होता है। इधर बेन अब इस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है और उसे एक क्लू मिलता है, लेकिन पहले उसे एक घड़ी ढूंढना होगा। बेन को यहाँ कोई घड़ी नहीं मिलती, लेकिन उसे कुछ तस्वीरें दिखाई देती हैं जो कि हूबहू घड़ी की सुइयों जैसे इशारा कर रही थी। और अब तस्वीरों को देखकर बेन को वो कोड मिल जाता है जिससे वो इस रूम को भी पार कर लेता है। अब बेन इन सभी रूम्स को पार करके बाहर आता है जहां इसे गेम मास्टर मिलता है। बेन को लगता है कि उसने ये गेम जीत लिया है और अब उसे घर जाने दिया जाएगा, लेकिन वो बेन को बताता है कि ये अमीरों का गेम है और वो इसे देखने के लिए पैसे लगाते हैं। वो बताता है कि हम तुम्हारे जैसे लाचार लोगों को ही फंसाते हैं, और इतना कहकर वो बेन को मारने लगता है। लेकिन तभी पीछे से जोई आ जाती है जो कि अभी भी जिंदा थी और उस गेम मास्टर को गोलियों से भून देती है और ये दोनों उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब जोई वापस पुलिस वालों को यहाँ लाती है तब उन्हें इस बिल्डिंग में कुछ भी नहीं मिलता जिससे जोई की बातों पर यकीन किया जा सके, और वैसे बेन की बातों पर भरोसा कर नहीं सकते क्योंकि उसके शरीर में ड्रग्स की मात्रा ओवरडोज पाई गई है। जोई अपने साथियों का बदला लेना चाहती थी लेकिन अब उसे निराश होकर जाना पड़ता है। लेकिन जब वो जाने लगती है, लेकिन तभी उसे दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है कि ये गेम खत्म नहीं हुआ है। लेकिन हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, ये इसका एक भाग था। अगर आपको इसका अगला भाग देखना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिल से धन्यवाद।